हालेलुया, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत ही खुश और आनंदित होंगे। आमीन। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो है सेवा का पेड़। और इसको हम दूसरी देखें तो हमारी कलीसियाएं आज मजबूत क्यों नहीं है, ये एक भारी विषय है और गंभीर विषय ये मुद्दा है कि आज कलीसियाएं जो है वो मजबूत क्यों नहीं है। हम सेवकाई तो कर रहे हैं पर मुझे कई बार लगता है कि हम बाइबल से हट के सेवा कर रहे हैं। बाइबल के जो नियम हैं उनसे हटकर हम सेवा कर रहे हैं, तभी कलीसियाओं में और हमारे जो पास्टर्स हैं वो परिपूर्ण जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। तो आज हम इन्हीं विषय में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, जिसका मेरा सब्जेक्ट रहेगा, मेरा विषय जो है सेवा का पेड़। अगर वो पेड़ फलवंत है, अगर हम उससे भरपूरी के साथ वो फल नहीं खा रहे हैं तो हम कैसे जी सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि वचन के ना होने से मसीह की देह और पास्टरों के अंदर बिग प्रॉब्लम है। हम किसी को क्वेश्चन आंसर करते हैं, कोई हमारे से कुछ, हम उनको कोई विषय के जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम बाइबल की नॉलेज नहीं रखते। और जो सेवकाई का सही में ढंग है, सेवा का पेड़ मैं बताना, वो हमारे अंदर होना चाहिए और हर एक चर्च के अंदर होना चाहिए, हर एक कलीसियाओं के अंदर। और ये पास्टरों को चाहिए कि इसकी पहल करें। आप जो मैं चीज़ें आपसे बोलना चाहता हूँ या मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया के दुनिया में 5 प्रकार के लोगों से ये दुनिया बटी हुई है। ये सारी दुनिया 5 प्रकार के लोगों से बटी हुई है। बाइबल के हिसाब से आपको मैं बात कर रहा हूँ आपसे। नंबर 1 है पापी, और नंबर 2 है विश्वासी, और नंबर 3 है चेला, और नंबर 4 है प्राचीन यानी ये पास्टर, और फिर आती है नंबर 5 में 5 प्रकार की सेवकाई। तो आप जो मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ वो ध्यान से आपने सुनना है। 5 प्रकार की जो सेवकाई है वो परमेश्वर की दी हुई सेवकाई है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ये चाहता है कि 5 प्रकार की जो सेवकाई है वो सब चर्चों के अंदर होनी चाहिए। देखिए, वो चर्चों के अंदर नहीं है। मैंने फेसबुक यूट्यूब पे एक मैसेज डाला था कि ये जो 5 प्रकार की सेवकाई है वो ये किस तरह की सेवकाई है, चर्चों में क्या होना चाहिए, क्यों नहीं पास्टर इस सेवकाई को आने दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स मेरे मैसेज मैंने बताई थी। कि मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, चर्च एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर तरीके का इंसान वहाँ बैठता है। जो 1 साल का विश्वासी है वो भी वहीं रहता है, जो 2 साल का है वो भी वहीं रहता है, 5 का भी, 10 का भी, 15 का भी। जो चर्च एक ऐसा मतलब जिसको हम जगह कह सकते हैं, लेकिन हम देखें कि वहाँ पर बैठने का जो स्थान है वो सबके लिए एक है। लेकिन अगर हम देखें संसारिक स्कूलों में तो वहाँ पर अलग अलग पाठ्यक्रम से है, पहली दूसरी तीसरी सिस्टम से लोग बैठते हैं। हालेलुया। तो ये जो ये अगर हम 5 प्रकार की सेवकाई को चर्च में डिसिप्लिन के साथ लेके आए, जो मैं आज आपको डिस्कशन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो मैं सोचता हूँ हमारे विश्वासी मजबूत होंगे, हमारे जो चेले हैं वो सब मजबूत हो जाएंगे, और हमारे प्राचीन पास्टर स्टेप बाय स्टेप सब मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पहला जो मेरा सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ये लोग इस दुनिया में, नंबर 1 पापी, ध्यान रहना इस बात के लिए, नंबर 2 विश्वासी, नंबर 3 चेला, और नंबर 4 प्राचीन यानी पास्टर, और फिर 5 प्रकार की सेवकाई। अब हम आगे चलते हैं, जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब जो पहला नंबर पापी है, अब पापी को क्या करना है, उसको उसकी क्या प्रॉब्लम है, और उस पापी को हमने क्या बताना है ताकि वो पापी उस विषय को पढ़े, उस विषय को पास करे, और फिर एक पापी जब ये विषय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब ये विषय वो पास कर लेगा तब अगली क्लास में वो जा सकता है। पहली बात तो जो पापी होता है वो कभी भी निशाने पे सही नहीं चलता, वो अपनी बुलाहट पे चलता, उसको कुछ मालूम नहीं है, वो हमेशा निशाने से चूकता है, और
परमेश्वर से, हम कह सकते हैं परमेश्वर से दूर या बिना परमेश्वर के वो होते हैं। तो आज दुनिया के लोग ऐसे हैं, पापी लोग हैं जिनको परमेश्वर के बारे मालूम नहीं है। ये मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, एक पापी को क्या चीजों की जरूरत है, जो हर एक चर्च में हर एक हमें पास्टरों को अपने पापियों को, जो पापी लोग आते हैं जब उनको विश्वासी बना लेते हैं, हम लोग कहते हैं विश्वासी बन गया, यीशु के लोग से धुल चुका है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हम कहते हैं ये पापी से विश्वासी बन गया, लेकिन कुछ टाइम आप देखते हैं वो काम पापियों वाले ही करते रहते हैं। तो इसका मतलब वो पापी को विश्वासी हमने बना दिया जबकि वो बना नहीं है। क्यों नहीं बना? उसका कारण ये है, पहली बात, एक पापी को ये पता होना चाहिए परमेश्वर की सृष्टि के बारे, पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, क्यों बनाया, क्या मकसद है प्रभु के बनाने का, क्यों बनाया गया है, जमीन को क्यों बनाया, आसमान, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, गायें, पक्षी, इंसान, मतलब क्या है परमेश्वर का बनाने का, ये जानना एक पापी को जरूरी है। और नंबर दो, पाप कैसे आया, ये पापी को जानना जरूरी है। नंबर एक, परमेश्वर की सृष्टि के बारे में, और नंबर दो, पाप कैसे आया। आप किसी अपने चर्च के विश्वासी को पूछिए पाप कैसे आया, नहीं बता पाएंगे वो, पूरी डिटेल से आपको कभी नहीं बताएंगे वो क्या हुआ क्या नहीं। फिर तीसरा नंबर जो एक मेन मैं मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो नंबर तीन है, यीशु मसीह और उसके उद्धार का कार्य। एक पापी को यह जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, क्या किया यीशु मसीह ने, उसका विषय है यीशु मसीह और उसके उद्धार का कार्य क्या है। अब मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूं, बहुत सारे पास्टरों को ये पूरी स्टोरी मालूम नहीं होगी कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किस तरीके से, सिंपल सी स्टोरी बताएंगे आपको, आप भी यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट क्या चीजें हुई है यीशु के साथ, जमीन पर आकर क्या हुआ, शरीर से उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, आत्मा से क्या प्रॉब्लम हुई है, जब वो कब्र के अंदर है क्या हो रहा है, वो कहां कहां पर है, किस किस स्थान पर है, क्या क्या चीजें हो रही है, ये एक पापी को पता होना चाहिए। और ये आज के हमारे पास्टरों को ये बात मालूम नहीं है। तो मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं कि आज के समय के अंदर पापी पादरी है, मतलब पाप की जो हमारा जो मैं बता रहा हूं विषय, इन्होंने ये पास नहीं किए, ये पापी को पास करनी है, क्लासेस है मान लो इनकी, ये परमेश्वर सृष्टि के बारे में पता होना चाहिए, पाप कैसे आया, यीशु मसीह के उद्धार छुटकारे के बारे में पता होना चाहिए, व्यक्तिगत गवाही देना नंबर चार। आप देखिए, आपने विश्वासियों को हमारे व्यक्तिगत गवाही नहीं देनी आती, वो गवाही में निवेदन दे देते हैं साथ में, कभी देखना नोट करो, मैंने गवाही देते देखा विश्वासियों को, वो अपनी गवाही बताते बताते बीच में निवेदन दे देते हैं, बीच में कुछ भी बोल देते हैं। आपकी गवाही से लोग आशीष पाते हैं, जब आप बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे कैंसर को ठीक किया, मेरी टीवी को ठीक किया, मेरी आंखों को ठीक किया, तो लोग आशीष पाते हैं। 15 साल से बच्चा नहीं था, 8 साल से बच्चा नहीं था, 10 साल से बच्चा था, खुदा ने मुझे आशीष दी, तो लोग आशीष पाते हैं। लेकिन उसके बीच में कुछ कुछ चीजें लगाए थे। तो एक पापी को जब वो तौबा प्रस्ताव करता है, हम फट से विश्वासी बना देते हैं बिना टीच किए हुए। सबसे बिग प्रॉब्लम, जैसे कि आज बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे पास्टर जाते हैं, लोगों पर हाथ रखते हैं, पास्टर बना दिया, चलो भाई कोई नहीं, चल तू सेवा काम कर, खुदा तेरा अपना करेगा, पवित्र आत्मा तेरे टीचर है। मतलब वचन की धज्जियां उड़ रही हैं और हमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, गलत मलत टीचिंग दी जा रही है। तो मैं एक प्रॉपर ढंग से आपको बोलना चाहता हूं, हर एक चर्च में हर एक पास्टर को ये क्लीसिया को टीच करें अपनी को, आप कि भाई परमेश्वर सृष्टि के बारे उसको बताएं, आप पाप कैसे आया, यीशु मसीह का उद्धार, एक एक जड़ खोल के बताएं उसको, मकसद क्या आने का, क्या क्या घटना घटी, कैसे हुआ, ये बताइए आप। फिर विश्वासी को सिखाइए, उसको जो अपना विश्वासी जिसको हम कह देते हैं उसको सिखाइए आप व्यक्तिगत गवाही क्या है। आज हमारे व्यक्तिगत गवाही देनी आती, और ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, मैं गारंटी से बोलता हूं ये बात, मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा है, लड़कों को देखा है, वो प्रचार करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, अरे मैं कहता हूँ कोई ढंग से अच्छा कपड़ा तो डाल लो यार,
तुम कहते हम पास्टर हो, गोल टी शर्ट चिपाली, बाल आप खड़े हैं, टेढ़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, भाई थोड़ा तो ध्यान करो। उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं हम जिसका बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, ये ध्यान दें इस बात के लिए। आपका खाना पीना कपड़े इस बहुत अहमियत रखती है। हालेलुया, टी शर्ट पा के बैठ जाते हैं आप। मैंने बहुत सारे सेवकों देखा स्टेज पे वही हाल होंगे, नहीं आप याजक है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे। जब आप ये परमेश्वर की सृष्टि के बारे में, पाप कैसे आया, यीशु मसीह और उसके उद्धार के कार्य के बारे में और व्यक्तिगत गुवाही के बारे में, जब एक ये क्लास को पास कर लेता है इन चीज़ों का, आपके मेंबरों को, हमारे मेंबर को, मेरे मेंबर को भी बोल रहा हूँ मैं, हम सबको जब ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चार के चार पॉइंट, परमेश्वर की सृष्टि, पाप कैसे आया, यीशु मसीह और उसके उद्धार के बारे में पता होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत गुवाही देनी जानी चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है पापी से, फिर वो जब क्लासेस ये पास कर लेता है, फिर आता है क्या आएगा उसका, विश्वासी। तब बनता है विश्वासी जब ये चीजें उसके अंदर है, तो आप हिसाब लगा लीजिए, जब ये चीजें अंदर नहीं है तो हम विश्वासी कैसे कह सकते लोगों, लेकिन हम फिर भी कहते हैं भी ये विश्वासी है, ये हमारे चर्च का विश्वासी है, लेकिन वो फिर हम पास्टर लोग, हम खुदा के लोग हमेशा निराश रहते हैं अपने विश्वासियों से। क्यों निराश रहते हैं? यही कारण है क्योंकि हम लोगों ने उनको ये मेन मुद्दे नहीं सिखाई, मेन चीज सिखाई नहीं है कि यीशु ने आपके लिए क्या कर दिया है, ये हम अपनी क्लीसिया को नहीं सिखाते हैं। इसीलिए फिर हम क्लीसिया निराश होते हैं, अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता नहीं, हमने सिखाया नहीं होता, बहुत सारे पास्टरों को पता नहीं। मैं एक बार अमृतसर के अंदर एक पास्टर सेमिनार कर रहा था, और जब मैं पास्टरों से व्यक्तिगत मिल रहा था, हलवाई कर रहा था, एक मैं पास्टर नाम ही बताऊंगा, पास्टर मुझसे मिले और मुझे बोलना कि पास्टर मेरे पास अच्छी क्लीसिया है लेकिन हर संडे मुझे डर लगता है कि मैं क्या प्रचार सुनाऊं। तो मुझे बड़ा झटका लगा कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं अगले संडे प्रचार कौन सा सुनाऊं क्लीसिया को, तो वो क्या देगा। बहुत सारे सेवकों मैंने देखा प्रार्थना है ही नहीं उनकी। मैं बताना चाहता हूं जो सेवक प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जो सेवक बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, एक चीज याद रखें आप, एक दिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपका संबंध प्रभु साथ नहीं है, आप शैतान को कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चढ़ाई कर ले, मुझे मार। आपको पता नहीं है ये बात? आपकी प्रार्थना और आपका बाइबल पढ़ना जरूर होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए आपकी, ये याद रखें। एक दिन आप नहीं करेंगे तो शैतान आप पर चढ़ाई करेगा। जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपका और परमेश्वर का दूरियां बढ़ती जाएंगी, और उस दूरी के बीच में शैतान खड़ा हो जाएगा और प्रॉब्लम पाएगा। मैं सेवकों से बात कर रहा हूं, ये लीडरों की बात कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं सेवा का पेड़, किस तरीके से उस पेड़ से सब लोग आशीष पाए। जैसे मैंने बताया एक पापी ने क्लास पास नहीं करी, हम उसको विश्वासी बना देते हैं, उसको पता नहीं है, गुवाही नहीं देनी आ रही, उसको प्रार्थना नहीं करनी आती, बाइबल पढ़ने आती, कुछ पता नहीं है। तो जब ये चीजें पास करेगा फिर बनेगा विश्वासी। अब विश्वासी का काम क्या होता है? नंबर दो आता है विश्वासी। विश्वासी जो है वो जो यीशु के पूरे किए हुए उद्धार के कार्य पर विश्वास करते हैं। विश्वासी कौन है? जो यीशु ने जो कार्य किया है उद्धार का, हमारा, हमें छुटकारा दिया है पापों से, उसके बारे और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है, प्रभु ने हमारे लिए क्या काम किए, उसके बारे पूरी जानकारी रखता है, उस विषय पर उसको सीखना होगा। ये बातें फिर ये चीज याद रखो, विश्वासी क्या करना है, ये जो विषय यीशु के बारे की उद्धार के बारे कार्य पर विश्वास करते हैं उसके बारे आगे विश्वासी के लिए मैं 6.5 पॉइंट आपको देने जा रहा हूं। पहले बात, विश्वासी को पानी का बैप्टिज्म, और पानी का जब बैप्टिज्म की बात आती है तो इतनी कन्फ्यूजन है हमारे पादरियों में ही, हमारे पास्टरों में ही, मैं क्या बताऊं। कोई कहता है ये नहीं देना, कोई कहता है ये करना, कोई कहता है ये करना, कोई कहता है ये करना है, कोई कहता है ऐसे नहीं ऐसे कर दो, कोई कहता है ऐसे कर दो, कोई कहता है छींटा दे दो, कोई कहता है नलके के नीचे डबो दो, कोई कहता है टंकी में डबो दो, सब उससे परे है। लेकिन मैंने इसके लिए भी मैसेज डाला हुआ है, आप देख सकते हैं बैप्टिज्म के बारे में। हालेलुया। फिर हमें अपनी गवाही देना, विश्वासी काम क्या, सुने ध्यान से, पानी ये विश्वासी को पास करनी है। ये क्लासेज है, मान लो जैसे हमारा मैथ होता है, इंग्लिश होता है, ऐसे ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको,
पानी के बपतिस्म पर है, विश्वासियों पता होना चाहिए, अपनी गवाही देना, बाइबल का परिचय, ये पास्टर को बताना है विश्वासी को, और व्यक्तिगत प्रार्थना करना। जिस दिन विश्वासी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू कर देगा, उस दिन परिवारों में चेंज आना शुरू हो जाएगा और पास्टर को भी कुछ राहत मिल जाएगी जब पूरा परिवार व्यक्तिगत बैठ के दुआ करेगा। हमारे जो विश्वासी हैं उनको व्यक्तिगत दुआ का पता ही नहीं, उनको सिर्फ इतना पता है प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे बेटा दे दो, मुझे इंग्लैंड भेज दो, मुझे अमेरिका भेज दो, छोटी ये चीज़ें पता है। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, बाइबल हमें क्या बताती है, पास्टर भी ये सिखाते नहीं, किस तरीके से आपको शैतान के साथ फाइट करनी है, किस तरीके से आपको कुछ चीज़ों को मांगना है और कुछ चीज़ों को शैतान से छीनना है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपका पैसे का लॉस हो गया, आप क्या कहेंगे, परमेश्वर मेरे पैसे दे, परमेश्वर ने लॉस किया, लॉस किसने किया, शैतान ने। आप क्लेम कीजिए शैतान मैं तुझसे 7 गुना यीशु के नाम से वापस लेता हूं, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरा पैसा लेने की, मुझे लॉस कैसे कर सकता तू, तेरा क्या अधिकार है। ये विश्वासी के अधिकार हैं जो हमें पता नहीं है। हालेलुया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको चीजें, ये विश्वासियों के अंदर नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब बैठकर आराम से शांति के साथ प्रार्थना करें, घर में प्रार्थना का माहौल बनाए, इसे कहते हैं विश्वासी। हालेलुया। विश्वासियों को व्यक्तिगत प्रार्थना करना जरूरी है। मैं सिर्फ शॉर्टकट में पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। और नंबर 5, संगति का महत्व। आपको मालूम है हम जो खुदा के लोगों को पास्टरों को मामूली से सोच लेते हैं, पास्टर के पास जो सही में खुदा के लोग हैं, खुदा के याजक हैं, जो परमेश्वर ने याजक ठहराए हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, उनके पास स्पेशल बाइबल से ये बात मैसेज आता खुदा की तरफ से कि मेरे बच्चों को इस संडे ये भोजन दीजिए। देखिए आप हफ्ते में एक आधी बारी एक स्पेशल घर में खाना बनाते हैं ना, इसी तरीके से परमेश्वर हर संडे एक स्पेशल फीड देना चाहता है। लेकिन मैं देखा था बहुत सारे विश्वासी चर्च में नहीं आते, एक संडे आएंगे दो आएंगे नहीं, दो आएंगे तीन को पता ही नहीं उनका, उनकी प्रॉब्लम्स है। रिश्तेदार संडे को ही आते हैं, जी क्या करें जी हम, भाई आप रिश्तेदारों को खुश करोगे या खुदा को खुश करोगे। जब हमने सेवके शुरू की हमारे रिश्तेदारों के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, संडे को ही मैरिज रखनी है, और मुझे बोलते थे पाशा संडे को आपने जरूर आना है। मैंने बोला ठीक है, एक आधे संडे तो एडजस्ट कर दिया मैंने। मैंने देखा यार बार बार ही यही काम हो रहा है। मैंने साफ अपने रिश्तेदारों को बोला मेरा बहन भाई वही है जो प्रभु के वचन की रिस्पेक्ट करता है, जो वचन पे चलता है, और आपको मालूम नहीं कि संडे को मुझे चर्च लेना होता है, तो आपने अगर मुझे बुलाना है तो संडे छोड़ के जब मर्जी आप मैरिज रखिए तो मैं आऊँगा। तो आप भी ये बात बोल सकते हो भाई, आप क्यों नहीं बोल सकते, पर आपको दुनिया से प्यार है। पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, दुनिया से प्यार करोगे सीधे नरक में जाओगे। संगति का महत्व सोचिए आप क्या है। बाइबल लिखा है बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति होना इतना जरूरी है। आपकी संगति आपके पास्टर के साथ होनी चाहिए, चर्च में होनी चाहिए, प्रभु के साथ आपकी संगति होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए कोई बीच में आ ना जाए। व्यक्तिगत आपको प्रभु से संगति करनी है, ना हमारा व्यक्तिगत है ना हमारा चर्च है। मैं गारंटी से बोलता हूं एक बात, ये जो लोग व्यक्तिगत संगति करते हैं प्रभु से वो चर्च मिस नहीं करेंगे, ये याद रखो इस बात के लिए, वो मिस नहीं करेंगे। मिस वही करते हैं जिनका ना खुदा के साथ कोई लेना ना कोई देना। चमत्कार होते हैं, होते रहेंगे। क्या चमत्कार आपकी नींव है,
बताइए। हालेलुया। परमेश्वर को आप हल्के में न लो। लूका 6:40 में लिखा हुआ है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्या जरूरत है हे प्रभु कहने की? क्यों दिखाते हो लोगों? आज सभी लोग बोलते हैं, सभी एक से हैं। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि हम एक से बन गए उनके साथ। हमारे जीवन से लोग आशीष मिलनी चाहिए। कोई पड़ोस में आपको गाली दे, आप मत गाली दीजिए, उसको पता लगे कौन है, किसको मानते हैं हम। इसमें क्या कहा? दुश्मनों को माफ करो, प्रेम रखो, एक गाली को थप्पड़ मार दूसरी दे दो। यार हमारा कुछ चेंज ही नहीं है, कोई विश्वासी वाला हिसाब था भी नहीं है हमारा। फिर हम कहते हैं हम विश्वासी हैं। कैसे विश्वासी हैं भाई? हम बताइए आप किस तरह के विश्वासी हैं? हमारा वही पाप का जीवन चलता रहता है। क्यों चलता है पाप का जीवन? क्योंकि हम अपने खुदा के बारे नहीं जानते। हालेलुया। और फिर नंबर 6 है विश्वासियों के अधिकार। मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 है पानी का बपतिस्मा, एक विश्वासी को पता होना चाहिए। और दूसरा है अपनी गुहाई देना, बाइबल का परिचय नंबर 3। और नंबर 4 है व्यक्तिगत प्रार्थना। इसके ऊपर बहुत कुछ और भी बोला जा सकता है लेकिन मैं शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूं आपको। नंबर 5 है संगति का महत्व, जो आज क्रिश्चियन नहीं जान रही है कि संगति होना कितना जरूरी है, बढ़िया संगति होना जरूरी है। हालेलुया। और नंबर 6 विश्वासियों के अधिकार। अब विश्वासियों के अधिकार क्या है पता ही नहीं विश्वासी को। बीमार हो गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, पाशा को फोन कर दो। पाशा तो बेचारे मजबूरी में फोन करेंगे, दुआ करेंगे आपके लिए। पर आपके क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? यीशु ने क्या कहा? लूका 10:19 पढ़िए। विश्वासियों का अधिकार क्या है? मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। दुष्टात्मा आप निकाल सकते हो, विश्वास से निकाल सकते हैं, लेकिन आज के समय के अंदर विश्वासियों के अंदर ही दुष्टात्माएं हैं। दुष्टात्मा तो आपको निकालनी चाहिए, दुष्टात्मा आपके अंदर है। इसका मतलब आप विश्वासी नहीं है। अभी आपको जो फर्स्ट पापी हैं उसी लाइफ में आप चल रहे हैं, पाप वाली में। आपको वैसे ही कह दिया विश्वासी बन गया, आप विश्वासी नहीं है। मुंह से अंगीकार कर लिया आपने कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं गलती मानता हूं, छोड़ता हूं सारी, क्या आप स्वर्ग में चल जाएंगे? नहीं। आपको वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। आपने अंगीकार कर लिया और आप कर रहे हैं पाप की बातें, पाप पापी जीवन जी रहे हैं आप। अंगीकार कर लिया आपने, मैं यीशु को मान लिया जी, ठीक है जी, मैं दिखाऊं ऐसे विश्वासी आपको। चर्च के बारी तो मक्खुल गाते हैं, बारी थोड़ी देर सिगरेट पी लेते हैं। मैं एक बार अपने चंद्र में जा रहा था तो मैंने एक विश्वासी को देखा, सिगरेट पी रहा था विश्वासी। तो उसने जब मैंने गाड़ी थोड़ी साइड लगा उसे पास में लगाई तो उसने सिगरेट अपनी जेब में डाल दी। अब देखो सिगरेट बुझती भी नहीं, मैं जान के खड़ा रहा, बातें करता रहा। उसने अपना पट्टी जुलवा लिया, पैंट में मोरी होगी उसके। जब मैंने देखा हाँ धुआं सा उठने लगा, फिर मैं ओके भाई प्लीज अलॉट, फिर मैं चला गया। ये हाल है। क्या क्या तारीफ करूँ विश्वासियों की मैं? नामधारी विश्वासी। हम पास्टर धोखे में है कि हमारे सामने विश्वासी बैठे हैं, हमारे सामने पापी बैठे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। आप जोर लगाओ, गवाही दो, कोई उठता है गवाही देने के लिए? प्रार्थना करो, कोई उठता है? नहीं, क्यों नहीं उठते? पापियों को पता ही नहीं गवाही कैसे देनी है, पापी को पता नहीं है प्रार्थना कैसे करनी है, पापी को पता नहीं है बाइबल कहाँ पढ़नी है कैसे। मैं कितने विश्वासियों बोलता हूँ ये निकालना जरा, ये बोल दो ना इनको, रोमियो निकाल लो, करंथियो निकाल लो, ये नहीं पता ओल्ड टेस्टमेंट में चल जाए। ये पापियों से भी बद्दे हाल है जिनको हम विश्वासी कहते हैं। ये कमजोरी किसकी है? हम पास्टरों की। हमारे चर्च के अंदर भेषवक्ता, टीचर, प्रीचर टोटली आने चाहिए लेकिन हम लोग आनंद देते उनको। हम करते हैं पर ढंग से मिनिस्ट्री। यीशु ने कहा है कि 5 प्रकार की सेवा चर्च में होनी चाहिए। क्या हमारे चर्चों में 5 प्रकार की सेवा ही है? क्या हमारे चर्च के अंदर भेषवक्ता आता है? क्या हमारे चर्च के अंदर कोई टीचर को बुला रहे हैं हम?
क्या हम अपने चर्चों के अंदर किसी भी प्रीचर को किसी उसको बुला रहे हैं? नहीं बुला रहे हैं, हम लोग अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं। हम तभी मैंने बोला था कि जो बाइबल हमें बताती है सेवा के लिए, वो नहीं कर रहे हम लोग। मैं बाइबल स्कूल चलाता हूं, प्रोफेशनल टीचर जो है हम उनको बुलाते हैं, जिन्हें काम है भाई सारा साल पढ़ाना ही पढ़ाना है बाइबल स्कूलों में, क्यों बुलाते हैं? हम किसी को खड़ा कर देंगे। और बहुत सारे पास्टर बाइबल स्कूल चलाते हैं, टीचर एक भी नहीं होता, अपने भी चलाई जा रहे हैं वो, बहुत प्रॉब्लम में जा रहे हैं हम लोग। मसीह की दे स्ट्रांग नहीं बना रहे हम लोग। हम कहते हैं बहुत काम हो रहा है, मैं कहता हूं अंदर अंदर से हम खोखले हो रहे जा रहे हैं, शैतान हमें खोखले कर रहा है। हमारे पादरी को नॉलेज नहीं है वचन की, बस भिजवानियां करा लो। पादरी में छोटे छोटे बच्चे प्रॉफिट नाम रख दिया, प्रॉफिट ये है जी। अरे इतना सा बच्चा प्रॉफिट है यार, क्या है यार, जो भी लेगा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अरे भाई कोई टीचर बन जाओ, कोई शिक्षा देने वाला बन जाओ, क्या सारे भिजवाने बाइबल लिखा भिजवाने जाती रहेंगी, फिर तुम क्या करोगे? क्या भिजवानी आपकी नींव है? क्या चमत्कार हमारी नींव है? ये वचन के साथ जुड़े हुए हैं, इनका होना जरूरी है, पर ये हमारी नींव नहीं है। ये धन कमाने के लिए सिस्टम नहीं है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पापी व्यक्ति को कुछ नहीं पता, विश्वासी कुछ नहीं पता। विश्वासी को ये जानना जरूरी, संगति का मुझे बहुत दुख लगता है जो विश्वासी संगति नहीं करते, वो अपने स्टाइल से पास्टरों से काम लेना चाहते हैं, अपने ढंग से वो चाहते हैं कि हम सेवा करें, जब दिल करा आगे, जब दिल करा नहीं आए, जब दिल करा किसी और चर्च में चले गए, जब दिल करा उधर चर्च में चले गए, जब करा अपने चर्च में आ गए। वो समझ नहीं आती विश्वासी कर क्या रहे हैं। विश्वासी आदत तो हमारे पास्टरों ने विश्वासियों खराब किया हुआ है, डर के बात करते हैं, खुल खुल के बात नहीं करते। एक बार मुझे पंजाब से फोन आया कि हमारा कुछ प्रॉब्लम, आप दुआ कर दो। मैंने पूछा आप कौन से चर्च में जाते हैं? उसने किसी बड़ी मिनिस्ट्री का नाम लिया। मैंने फिर उनसे दुआ कराओ, कहते वो तो हमारे को मिलते भी नहीं। फिर मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ, चरवाहे को भेड़ का ध्यान नहीं है तो फिर मेरी क्या गलती है? मैंने पहले कहाँ जाते थे? उन्होंने पास्टरों का नाम लिया। मैं कहा चुपचाप जाओ अपने पास्टरों से सॉरी फील करो, चुपचाप चर्चा से बैठ जाके भीड़ को देख के ना जाओ। आप भीड़ को देख के जा रहे हो, भीड़ वाले जो प्रचार कर उनको प्रचार नहीं करना आता, क्या लेने जा रहे हो? जिसके पास वचन ही नहीं है भाई, अगर मेरे पास वचन नहीं होगा ना, मुर्दा जिंदा कर दूं, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। वचन कौन है? परमेश्वर, वही है नहीं। और दाऊद डंडा लेके नहीं गया था, वो गोफन ले गया था। ये चीजें याद रखो। हालेलुया। ये हमारा आज का जो विषय है, पापी को क्या चीज जानकारी है मैंने बता दिया, विश्वासी क्या पास होना चाहिए, विश्वासियों के अपने अधिकार, ये बहुत बड़ा विषय है। अगर मैं अधिकार के बारे पढ़ाऊंगा तो मेरे ख्याल यही मेरा खत्म नहीं होगा। विश्वासियों को पास्टरों को सिखाओ कि भाई विश्वासियों तुझे दंडाधिकार किया, आपके अधिकार क्या है। विश्वासी कंफ्यूज है, सिर्फ वो जैसे कि देखा ना एक लंगड़ा व्यक्ति, उसकी टांगे कमजोर है और वो फोड़ी लेके चलता है, इसे बैसाखी लेके चलता है ना इसे, वो हाल है हमारे विश्वासियों का। बैसाखी भी कर दिया हम पास्टरों ने उनको, बस वो प्रार्थना करा लेंगे काम चल जाएगा, प्रार्थना करा लेंगे काम चल जाएगा। अरे खुद सिखाओ, खुद प्रार्थना करने वाले बनो। विश्वासी को बोलो जाओ सुसमाचार सुनाओ लोगों को, दुआ करो उनके लिए, चर्चों में लेके आओ। आज दुनिया के लोग नाश हो रहे हैं पता है, हर रोज अखबार में पढ़ो आप, दो तीन बंदों ने आत्महत्या कर ली, बच्चे को लेकर नदी में कूद गए, हस्बैंड वाइफ ने मार दिया, पति ने उसको मार दिया, पति ने उसको मार दिया। अरे कितनी शैतान ने तहलका मचाया हुआ है। धर्म जातियों की लड़ाई, लीडरों में नफरत, हमारे पास्टरों में नफरत, विश्वासियों में नफरत। किसी ने यीशु के लिए बोल दिया चलो बसे जला दो, हम मेरे में क्या फर्क है यार? मैं कहता हूँ यीशु मसीह हमारा कमजोर है, बोल के दिखाए कोई, यीशु मसीह खुद ही निपट लेगा उससे। हम यीशु मसीह को सेफ नहीं कर सकते, यीशु मसीह हमें सेफ करता है। कैसे विचार है हमारे? एक तरफ तो हम संदेश देते हैं प्रेम का, एक तरफ हम कर रहे हैं लड़ाइयां झगड़े धर्म जाति के लिए। मुझे कई बार कंफ्यूज होता, मुझे समझ नहीं आती कि हमारा कोई मुद्दा ही नहीं, हमारा कोई विषय नहीं है, जो मर्जी कुछ ही बोल रहा है ओके,
जो मर्जी पादरी बन रहा है ओके, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले टाइम में कितनी प्रॉब्लम चली है, हमारे पास तो कुछ पता ही नहीं है। तो भाई कुछ तो सीखो, कोई अगवा बनाओ, कोई लीडर बनाओ, किसी से कुछ तो सीख लो। सेव का ही करो, आप खुदा से पूछो मेरे सेव का क्या है, पहले सीखो। मूसा के संग यहोशू रहा, उसने सीखा, तब परमेश्वर ने यहोशू को मौका दिया। एलिया के साथ अलीशा रहा, एलिया का क्या करता था वो सेवा पता है, छोटी सेव कही अलीशा एलिया के हाथ धोया करता था, और आज वो क्या बन गया जी, भेषभक्ता बन गया। हम छोटी सेवा नहीं करना चाहते, हाँ हम लोग एक दूसरे के मेंबर जुड़ पाना जानते हैं, पता है कि ये मेंबर इसका है, फिर वहीं बैठ रहे जाके ये सेवका ही कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं अपना भी और विश्वासियों में, पता है कि ये पादरी ठीक नहीं है। इसके पास कितना ज्ञान है, कुछ मालूम नहीं। अगर सब ज्ञान होता तो ये मेरे पास ना आता, अपनी के लिए समझ आता। आप अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं, तो सिस्टम हमारा सब खराब हो रहा है। पापी व्यक्ति कुछ मालूम नहीं है, विश्वासी को कुछ मालूम नहीं है। हम इसको कह रहे हैं विश्वासी है, विश्वासी है ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको गुहा ही देना पता। तो ये चीजें हमें पास करनी पड़ेगी, फिर विश्वासी से क्या बनेगा आगे हम पढ़ेंगे देखेंगे। चेला, ठीक है, चेला क्या होता है ये ध्यान करना इस बात के लिए आपको, कि जब विश्वासी से अगला स्टेप आता है चेले का, चेला जो न केवल विश्वास करता है, चेले क्वालिटी क्या होती है सुनना ध्यान से, चेला जो न केवल विश्वास करता है परंतु उसमें चलता भी है वो, हालेलुया, ये याद रखो इस बात के लिए। चेला जो है वो हमेशा मांगता ही रहता, जब वो चेला बनता है वो फिर दूसरों के लिए दुआ करता है। हमें ये नहीं पता पापी से विश्वासी कब बन गया, चेला कब बन गया, ये पास्टर कब बन गया, ये तो जो क्लासेस है ये हमने पूरी की नहीं है, हम सीधे पास्टर बन जाते हैं। अब ये ध्यान दो इस बात के लिए, परंतु उसमें वो चलता है। विषय क्या, एक महान आदेश क्या है प्रभु यीशु मसीह का, अगर मत्ती उसका 28:19 से पढ़े तो देखो क्या लिखा, सुनो ध्यान से। यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह कहां तक आपको ले जाना चाहता है, हम लोग क्या बनाना चाहता है यीशु मसीह से पहले, हाँ जी बोलिए। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला एक गुरु, चेला गुरु कौन है हमारा, यीशु मसीह परमेश्वर। अब जो गुरु का सिस्टम है वही चेले का होना चाहिए ना, हमारा गुरु कुछ और कहता है, चेले हम कुछ और कर रहे हैं। प्रॉब्लम मसीह के दे के अंदर, जो यीशु ने नहीं कहा वो काम तो हम करते हैं। मैं हैरान रहता हूं, यीशु ने क्या कहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह से डिफरेंट सेव कही है हम लोग, जो यीशु ने कार्य नहीं किए वो हम करते हैं। हमारे जीवनों से ना आज पास्टरों से लोग आशीष नहीं पा रहे हैं, जितना ठोकर खा रहे हैं, और खुदा छोड़ेगा नहीं हम सबको। मैं पहले ये बात बताना चाहता हूं, चेला क्या करता है, चेले की क्वालिटी आती है, चेला केवल विश्वास करता है परंतु उसमें वो चलता भी है। चेले को क्या आज हम चेले हैं, क्या आज हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, चेले वाला कोई टैलेंट नहीं हमारे अंदर, हम किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते। चेले को क्या करना है ये याद रखो, एक चेले के लिए फर्स्ट जो है नंबर एक है उसको महान आदेश है चेले को कि जाओ और चेला बनाओ, उसको जाकर अपने की तरह लोगों को तैयार करना है। और ये किसको तैयार करना, उसने ये जानना है पहले, ये पापी से विश्वासी बन के आया और अब विश्वासी को मुझे चेला बनाना है। चर्च के अंदर सेवक होने चाहिए, जो चेले आपने बनाए हैं वो चेले जो है अब विश्वासियों को वो चेले बनाए, सिस्टमेटिक हमें काम करना है। लेकिन हमारा तो स्टार्टिंग नींव हमारी खराब होगी, हमने पापी बना दिया, पापी कुछ पता नहीं, उन्होंने विश्वासी बना दिया उसको, चेला बना दिया उसको, पास्टर बना दिया उसको चेले के बाद, तो प्रॉब्लम तो आनी आनी है ना। हमें गीत गाने का पता ना, हमें बैल पढ़ने का पता ना, प्रार्थना करने का पता ना, किसी से बातचीत करने का पता, क्रोध से हम भरे हुए हैं। मैंने बहुत सारे पास्टरों कहते सुना ये बात, ओए निरापुरा पादरी ने सोची मैं बड भी देना है, लो भाई कर लो बात। ये है ये समस्या, ये कौन है, ये कोई पादरी नहीं है, ये चेल जो पहले पापी है ना, ये पापी का पापी ही पादरी बना दिया है, ये पापी पादरी बन गया है, तब कह रहा है ये बंदा
क्योंकि इसको पता नहीं खुदा ने हमारे लिए क्या कर दिया, खुदा ने क्या आदेश दिया है, खुदा ने क्या हमारे अधिकार, इसको पता नहीं कुछ, तभी तो बोल रहा वो नीरा पूरा पादरी ना सोची मैनू बढ़ भी देवगा। बढ़ता कौन होंगे भाई? पापी। तो फिर ये कहां से आया? ये पाप में ही है, अभी तक पापी ही है, और हमने उसको पादरी बना दिया। जब दिल किया हम पवित्र बन गया, जब दिल करा है पवित्र बन गया, बिग प्रॉब्लम। और नंबर दो है इब्रानियों उसका 6:1-3 पढ़ो, देखो क्या लिखा है यहां पर। एक विश्वास, एक चेले की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराके और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों, हाँ, और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। अब ये जो जो चीज बोली गई है ये दोबारा रिपीट करने जरूरत नहीं है। ये जो नींव डाली गई है अंतिम न्याय क्या है, ये चीजें सब स्टेप बाय स्टेप, ये सब एक चेले के अंदर फीड होनी चाहिए, सब चीजें पता होना चाहिए इसको। हालेलुया। और फिर नंबर 3 आत्मिक युद्ध। अब चेले की ड्यूटी क्या है? आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध कैसे करेंगे जी? चलो कोई प्रभु चाहे तो ये युद्ध क्या है इनके बारे में कोई गोलों खुलाने चाहता हूं। आत्मिक युद्ध चेला कर सकता है, विश्वास की बस की बात नहीं है युद्ध करना, याद रखना इस बात के लिए। उसको एक स्टेप आगे आना पड़ेगा विश्वासी को युद्ध करने के लिए। हालेलुया। विश्वासियों को कुछ मालूम नहीं है क्या युद्ध करेंगे वो, चेले को क्या क्लास पास करनी पड़ेगी, आत्मिक युद्ध करना क्लास उसको आना चाहिए। और जब वो चेला बनता है वो फिर लेने वाले नहीं होते, याद रखो इस बात के लिए, वो लेने वाले नहीं देने वाले बने। चेला जो होता है विश्वासी जो होता है, कभी देखना आप मांगता रहेगा मुझे ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो खुदा बाप। चेले कभी देखना प्रभु ये कर दो ये कर दो ये कर दो, ये क्वालिटी है उसकी बंदेगी। हालेलुया। और नंबर 4 मध्यस्थी की प्रार्थना। मध्यस्थी की प्रार्थना होती है कंटिन्यू किसी भी विषय पे हम लोग प्रार्थना करें। जैसे मान लो हमारे देश के अंदर आज बहुत प्रॉब्लम चल रही है, नफरत फैली हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर हर रोज बोलिए आप, परमेश्वर हमारे देश के अंदर शांति लेके आ, हमारा देश उन्नति करे, अच्छे लीडर लेकर आ। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं जो हमें करनी है, हमारा फर्ज है प्रार्थना करने का। हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना। और नंबर 5 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये उसको पता होना चाहिए कि एक मैं चेला बन गया हूं और मेरा पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म हो चुका है। नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को, ये नहीं चेलों को पता ही नहीं इस बात का लिए। और नंबर 6 है प्रभु भक्तों का जीवन परिचय, यानी कि प्रभु के जो भक्त हैं जो खुदा के लोग हैं उनका जीवन परिचय, उनको किस तरीके से लाइफ जीनी है, किस तरीके से वो लाइफ को जिए, ये होना जरूरी है। जब चेले को ये चीजें पता होगी ना तब जाके वो एक आगे प्राचीन बनेगा, चेले से फिर पास्टर बनेगा, प्राचीन बनेगा चेले से। पहला कौन? पापी। पापी से कौन आएगा? विश्वासी। विश्वासी से कौन आएगा? चेला। चेले से कौन आएगा? पास्टर। और फिर आगे होती है 5 प्रकार की सेवकाई शुरू। हालेलुया। और चेले को क्या करना होता है? अब मैं पढ़ता हूं लूकास का 9:23 पढ़ी, क्या लिखा है यहां पर? उसने सबसे कहा, 9:23 सुनो ध्यान से क्या करा जी। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब चेले के अंदर क्या होना चाहिए, चेले को क्या करना है? चेले को हर रोज प्रभु के साथ चलना है और अपना इनकार करना। रिपीट करो शायद इस वचन को द्वारा से एक बार फिर सुनो ध्यान से क्या करना है। अपने आप का इनकार करना है, गौर दोष बात पढ़ना। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से इनकार करना है। आज के चेलों को देखो आप, कहते हैं मैं चेला हूं, मैं विश्वासी हूं। किसी भी लड़के से पूछो क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूं। क्या अपने आप का इनकार किया? नहीं किया। क्या पता है खुदा ने आपको चेले बनाया? क्या आपकी कॉल है, क्या करना है आपको? नहीं पता। मुझे तो घर वाले बाहर नहीं निकल रहे थे, मुझे तो ये नहीं होता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बिना पैसे कैसे जाऊं, मैं मोटरसाइकिल के बिना सेवा कैसे करूं। 1000 बहाने हमारे पास लगे हुए हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास
देखो जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि अपना घर छोड़कर बाहर आ, उसको कुछ जगह नहीं बता दी, ये करना है, कुछ नहीं था उसके पास, वो बाहर आया विश्वास के द्वारा, वो पिता कहलाया विश्वास का। अगर आप चेले हैं तो आपको विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, बहाने मत लगाइए मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं। जब आप चलेंगे खुदा आपका इंतजाम कर देगा। सबसे पहले मेरे पास साइकिल थी, फिर स्कूटर, फिर इंडिया कार, फिर ये लैंसर कार, अभी मेरे पास स्कॉर्पियो और छोटी गाड़ी है, क्या नाम है उसका, छोटी गाड़ी का ऑल्टो। ये तीन में नीड है, हम सेव कर रहे हैं, अच्छे से भी कर रहे हैं, ओके। मेरी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की, जब खुदा ने बुलाया हम चलना शुरू किया, खुदा सब कुछ देता जाएगा आपको। क्यों लिखा है अपना बोझ मुझे दे दो, क्या कर रहे हैं हम लोग, वचन को पढ़ते नहीं है। हमारी जो क्वालिटी मैं देखता हूं जो विश्वासी में, वो पापी जो पहला स्टेप है उससे बाहर ही नहीं आ रहे हमारे विश्वासी लोग। मुझे तो दिल नहीं करता कहने का ये विश्वासी है चर्च में, लगता ही नहीं मुझे विश्वासी क्वालिटी है उनके अंदर कोई, क्या बोला जाएगा, शर्म आती कहते ये मेरा विश्वासी है, पता लग रहा किसी ने देख लिया, बीड़ी पी रहा होगा, चुना लगा रहा होगा, गालियां दे रहा होगा, बेस्ती। क्यों? क्योंकि खुदा के बारे हमने नहीं जाना, सबसे बिग प्रॉब्लम है। हम पास्टरों ने सिखाया नहीं, और खुद पास्टरों को भी कहीं भी कोई चीज नहीं पता, तो भाई सिस्टम से हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात बनेगी। हालेलुया। पूरा पढ़ दे 23 लूकास का 14 अध्याय 25-27 पढ़ दे, क्या लिखा सुनो ध्यान से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ध्यान देना, इसको स्टडी करना, बैठ के स्थाई तक पढ़ दो, पूरा स्थाई तक देखो, सुने, इसको स्टडी कर लेना। लूकास का 14 अध्याय 25-27 आराम से पढ़ना घर में बैठ के। यहां पर एंड ये है, प्राण भी, हमने ये सोचना है मेरा नहीं है खुदा का है, फिर हो चले हम कहां से कोई सेव का मतलब क्या है, सेवा का एंडिंग क्या है मालूम है? अगर हम पेड़ के काम पढ़ते हैं सिंथनुस के बारे, उसने मरते मरते भी क्या कहा मालूम है, कि परमेश्वर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, क्या कर रहे थे वो लोग, उसको पथराव कर रहे थे, उसको पता लगा मरूंगा मैं, उसने कहा कि ये पाप इन पर ना डालना, क्योंकि वो मर रहा था, उसको मार रहे थे वो, ये पाप इन पर ना डालना, मरते मरते भी हमने व्यक्तियों को बचाना है, ये है सेवकाई। यहां तो बचते बचते को मार रहे हैं हम, बचाना तो दूर की बात है, सेवकाई से हम लोग सेवक बहुत दूर हैं, अभी बन तो गए स्टार, हम नाम तो दे दिए खुदा ने मर को, ऊंचे नाम तो कर दिए, वचन का पत पता नहीं है अभी, प्रचार नहीं करना था, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, कुछ नहीं है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है खुदा के दासों से, उनको पास्टर बनाए जिनको कुछ सीखा हुआ है, संस्थाओं से रिक्वेस्ट करता हूं उनको पास्टर बनाए, कुछ सिखाएं उनको पहले, ये नहीं 15 दिन में बीटीएच होगी, 3 महीने में बीटीएच कर दीजिए, भाई हाथ जोड़ के विनती है खुदा के, रहम खाओ तरस खाओ प्रभु के लोगों पे, अच्छी नींव डालो, शैतान हमारी नींव को कमजोर कर रहा है, ये हम सब खुद कर सकते हैं काम, कोई पास्टर गलत बोल रहा कुछ बोल रहा तो जाके बात कर लो भाई, प्लीज ये प्रचार है, आत्मा ने मैंने किया प्रभु भोज रसगुल्ले खिलाने, एक आत्मा नहीं बोलता कि रसगुल्ले खिला दो प्रभु भोज में। मैं बहुत सारे सेवकों से एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं, मैं बहुत सारे सेवकों जैसे बैठता हूं, मेरे पास ही बहुत सारे सेवक आते हैं कुछ पढ़ाने के लिए, तो जब वो आते थे वो बोलते हैं, जब नए नए लड़के होते हैं, पास्टर साहब परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, ये मुझे दिखाया है, ये मुझे दर्शन दिया है, ये लक्ष्य दिया है, खुदा कहता है मैं ये करूंगा तेरे द्वारा, मैं करूंगा, पर ये बहुत सारी चीज बोलते हैं आगे, और मैं देखता हूँ 6 महीने साल के अंदर वो किसी संस्था से अटैच होके काम कर रहे होते हैं,
कहां गए भाई आपके दर्शन? क्यों बोला था कि पवित्रा मुझे ये काम करने के लिए बोला है? झूठ बोल रहे आप, पापी की शरणी में है। मैं संस्थाओं के खिलाफ नहीं हूं, आप संस्था से जुड़िए, ये प्रभु की योजना है, आप सपोर्ट लीजिए, आप हर तरीके से मिलिए। लेकिन क्यों बोला आपने ये बात कि खुदा ने मुझे ये कहा है करने के लिए? मैं अभी तक किसी की सपोर्ट नहीं ले रहा हूं, नहीं बोला मुझे खुदा ने। इंडिपेंडेंट हम लोग काम कर रहे हैं, बाइबल स्कूल चला रहे हैं हम लोग, पास्टर सेमिनार करता हूं मैं, क्रूशल मिनिस्ट्री है हमारा, हम लोग भी सोशल वर्क करते हैं, हम लोग पेड़ लगाते हैं, विधवाओं की शुद्धि लेते हैं, बहुत सारे काम छोटे छोटे करते जा रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास भी, कोई फिक्स आके हमें कोई संस्था सपोर्ट दे रही है, ऐसा नहीं है। अगर कोई देगा भी तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छे लोगों के पास पैसा होना चाहिए, आज अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा गलत हाथों में लेके जा रहा है शैतान, गलत लोगों के पास जा रहा है पैसा, जो यीशु के नाम को छोटा कर रहे हैं उनके पास पैसा स्थान लेके जा रहा है। शैतान प्लानिंग से काम कर रहा है, अंतिम समय के अंदर शैतान गुमराह कर रहा है वचन से हम लोगों को। वचन की जरूरत नहीं है, चंगाई इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ। किसी मैंने भविष्यवक्ता को यह कहते नहीं सुना कि भाई खुदा तुझे बोल रहा है ये काम कर जाके। हैरान हूं मैं इन चीजों के लिए, खोखली कर दिया मिनिस्ट्री को, सबको अपने नामों से मिनिस्ट्री रखी, ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री। अरे भाई छोड़ो यार, प्लीज। पापी, पापी से विश्वासी, विश्वासी से चेला, और चेले के बाद क्या बनता है? प्राचीन, जिसको हम कहते हैं पास्टर। हालेलुया, जो पासवान क्लीसिया के दर्शन, जो सत्कार्य है उसको बताना है। अब प्राचीन का काम क्या होता है उसको यह पता होना चाहिए, जो क्लीसिया का ध्यान कैसे रखना, मुझे मेरा दर्शन क्या है, मेरे कार्य क्या है, मेरे लक्ष्य क्या है, ये साथ में कौन खाना किस तरीके से होना चाहिए, इसके विषय क्या। नंबर एक, आत्मिक वरदान। हर एक खुदा के दास के पास जो पास्टर है, आत्मिक वरदानों का होना जरूरी है। हालेलुया, आपके पास वरदानों का होना जरूरी है। यहां तो बहुत सारे पास्टर बोलते हैं जो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, उनको चर्च से बाहर निकाल दो, अन्य भाषा की जरूरत ही नहीं है। जो वर्शिप करते हैं, वर्शिप करने की क्या जरूरत है? अरे भाई कैसे अगुवे निकल के आ गए हैं? लिखा अंतिम समय झूठे उपदेशक आ खड़े होंगे, और वो कर रहे हैं काम, और हमारे पंजाब के पास्टर, हमारे हरियाणा के पास्टर ताली बजाते हैं उनके ऊपर, बुलाते हैं उनको, और ये बोलते हैं ग्लोसा है, ये फलानी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये लैंग्वेज है, ये ऐसा है। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, पत्रस यीशु के साथ में रहा, और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने पे थे, तीन बारी पत्रस ने इनकार किया, लेकिन जब यीशु मसीह चले गए, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आता है, और जब पवित्र आत्मा के साथ उसकी सहभागिता हुई, तो वही पत्रस ने बोला कि मुझे अगर मारना है तो क्रूस पर चढ़ाओ, बल्कि मेरा सिर नीचे करो, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं खुदा की यीशु परमेश्वर तरह चढ़ सकूं। देखिए आज वो पवित्र आत्मा में दिया गया है, वो हेल्पर ही नहीं है, वो परमेश्वर है। आप जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, आप वहां से उसको बोलिए, आपको निकालेगा पवित्र आत्मा। आज समय डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दीनता के साथ, नम्रता के साथ चलिए। हम सिर्फ लोगों को सिखाना चाहते हैं। आपको मालूम है रात के 2-2 बजे तक स्टडी करता हूं बैठ के, और कभी तो ये नहीं पता था अगर मैं सवेरे 9 बजे बैठ गया, कहता 11-12 कितना टाइम हो जाए। कई बार तो मेरे बच्चे मुझे, मेरी वाइफ बोलते थोड़ा घूम तो लो 2 मिनट, इतना दिल लग जाता है। प्लीज मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूं, आप जितना वचन की स्टडी करेंगे, आप जितना प्रभु को ढूंढने का मतलब क्या है, कैसे ढूंढेंगे आप प्रभु को, प्रभु साथ अटैच कैसे होंगे आप? बाइबल से, बाइबल पढ़िए आप, ये उसके विचार है परमेश्वर के, तब आपके विचार उस साथ मिलेंगे। पढ़ना सीखें बाइबल को, कैसे पढ़ना है, बोले पवित्र आत्मा प्लीज मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूं, मुझे प्रकाशन दो, मुझे समझाइए इसके बारे में, खुदा आपकी हेल्प करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया, आत्मिक वरदान पहली बात। दूसरा, मिशन कार्य। आपके खुदा ने क्या मिशन दिया, आपको क्या कार्य दिए? मैं जब बाइबल स्कूल चलाने के लिए गया, तो सबसे पहले मुझे स्टाफ ने बोला, हरियाणा के अंदर कैथल में हमारा रजौन के पास बाइबल स्कूल चलता है, तो मेरे स्टाफ ने मुझे खुद कहा, कौन मरेगा गर्मी में, पास अभी क्या करने जा रहे हो? मैंने एक ही चीज बोली उनको, भाई प्रभु ने मुझे बोला है वो मिशन कार्य के लिए, परमेश्वर मेरे से हिसाब लगा, आपसे हिसाब लगा, मुझे गर्मी मरूं जो मर्जी मरूं,
वहां कुछ भी नहीं था, आप बिलीव करना, जितने जन जानते हैं सब पता है। लेकिन जब हमने वहां पर जाना शुरू किया, खुदा ने इंतजाम किया, स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप बढ़िया बाइबल स्कूल बनता जा रहा है। आमीन। आप चलिए जो खुदा कह रहा है, खुदा आपके लिए करेगा। हालेलुया। और नंबर तीन है प्रेरितों के अध्याय, उनकी आप स्टडी करें, किस तरीके से उन लोगों ने प्रेरितों को स्टडी करें, आप किस तरीके से चेलों ने तलखियां मचाई, खुदा के लीडरों ने, सेवकों ने किस तरीके से तलखा मचाया। आज बहुत सारे पास्टर बोलते हैं बोना नहीं बोना नहीं, अरे वो लोग वो उनका दिमाग घूम तो नहीं गया था जिन्होंने अपने घर बेच के पत्रस के पांव में गेर दिए। किस दिन बोलूंगा फाइनेंस के लिए भी, कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं ये चीजें स्टडी करें आप। हालेलुया हालेलुया। और ये हम लोगों को किसी भी तरीके से ये चीजें आनी चाहिए। आत्मिक वरदान क्या है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पास्टर हैं, मिशन कार्य है, आपको क्या खुदा ने बोला, क्या लक्ष्य है, क्या दर्शन है, क्या बोला खुदा ने आपको, प्रेरितों का काम की स्टडी करें आप लोग, किस तरीके से उन लोगों ने सेवक किया, जब उन्हें प्रॉब्लम आ गई, उन्हें प्रॉब्लम आई किस तरीके से उन्होंने लोगों बांटा, सात लोगों चुना, आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण लोगों चुना उन्होंने। लेकिन हम किसको चुनते हैं, जो चर्च में ज्यादा पैसा देता है, चाहे वो शराब ही पीता हो, फिर वो खराब करते हैं मिनिस्ट्री को। आपको चर्च में चुनाव करना, लोगों उन लोगों का चुनाव करो जो प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण लोग हैं, तब जाके हमारे चर्च मिनिस्ट्रियां आएंगी। प्लीज रिक्वेस्ट है विनती आपसे, मैं किसी इंसल्ट करने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे भाई आप लोग, मुझे दुख है, मैं चाहता हूं हर एक सेवक एक जबरदस्त पावरफुल मिनिस्ट्री करे, बढ़िया मैसेज दे जो खुदा ने बोला है, क्योंकि वचन ही हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। मेन मुद्दा ये है मेरा, वचन के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप कितने फेमस है दुनिया में इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास अगर आत्मा के फल नहीं है, प्रेम आनंद धीरज शांति ये चीजें नहीं है, तो फिनिश है हमारा काम। आत्मा के फलों का होना हमारे अंदर जरूरी है। हालेलुया। और पांच प्रकार की सेवकाई के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कौन है मालो, भिषवक्ता, एवेंजेलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये सब एक पांच प्रकार के सेवक, ये प्रेरित पांच प्रकार की सेवकाई चर्च के अंदर होनी जरूरी है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप ये पांच प्रकार की सेवकाई को समझें, इसका अध्ययन करें। और आप किसी को भी पास्टर मत बनाइए, पहले बाइबल में लिखा है पहले एक साल परखा जाए, अगर वो विश्वास योग्य होगा तब उसको आप सेवा दीजिए। हम परखते नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की, चक के पास्टर बना दिए हमने, पास्टर बना दिए कोई रिजल्ट ही नहीं, थोड़े टाइम देखा अभी वफादार चल रहा है, लेकिन अब क्या करता हूं मैं, दो दो तीन तीन साल पूरन तरीके से एन पता लगे हाँ अब पास्टर बन सकता है, खुदा काम कर सकता है, टीचर बन सकता कुछ, तब उसको बोलते हैं भाई अब आप आओ, फिर उसको ऑर्डिनेशन करते हैं हम लोग। और मैं ऑर्डिनेशन में पैसे नहीं लेता किससे, और वैसे कोई नहीं कि कोई भी आगे मेरे से ऑर्डिनेशन करा लेगा, ऐसा भी नहीं है। आत्मा के चलाए चलिए आप, अपनी बड़ाई मत कीजिए। ये पैसा जिसके पैसे हम मर रहे ना, ये यही रह जाएगा, ये नाम यही रह जाएगा, ये शोहरत यही रह जाएगी आपकी। बस अगर वचन नहीं हुआ तो हम सब पास्टर भी विश्वासी भी सब नरक में जाएंगे, दुख की बात है। नरक केवल शैतान के लिए है, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। कितने दुख की बात है कि शैतान मनुष्य को नरक में लेके जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, हम पास्टर। सिर्फ हमें अपने नाम की और पैसे की पड़ी है, कोई मरे कोई जिए कोई वचन, क्यों वचन नहीं होगा तो सीधा नरक में जाएंगे हम, बिना वचन के नरक है। और हम लोगों को कितनी स्टडी होनी चाहिए। मैं बहुत सारे सेवकों को सुनता हूं, ये है बंकी जी को सुनता हूं, मैं बैनहिन को सुनता हूं, बहुत सारे सेवकों को जिनको मैं सुनता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं छोटे बच्चे से भी सीख लेता हूं। आपका मन हमेशा सीखने वाला होना चाहिए। मैं बहुत सारे पंजाब में ऐसे खुदा के दास को जानता हूं जो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, बढ़ेंगे वो, मैं बोल रहा हूं ये बात, सीखने वाला हमेशा बढ़ोतरी पाता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट विनती आपसे,
इन चीज़ों पर ध्यान दें आप। जैसे मैंने बताया, पापी को किस चीज़ की क्लास पास करनी है, उसको क्या क्या जानना है, विश्वासी क्या जानना है, चेलों को क्या पता होना चाहिए, तब जाके पास्टर बनता है। ऐसे नहीं किसी कोई भी चक्कर पास्टर बना दिया। मैं छोटी टेस्टिमनी के साथ खत्म करूँ। एक बार हमारे क्लिसे के अंदर कोई बच्चा था, तो मैंने उसको बैबल स्कूल के लिए तैयार किया। बैबल स्कूल में चलना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो जब हम बैबल स्कूल के लिए एक दो दिन रह गए, तो मैंने उसको बोला बेटा तैयार हो जा। उसने कहा पास्टर जी प्लीज़ आप मेरे घर पे आइए, मेरे कुछ जुड़ी बात करनी है। मैं चला गया, एक साथ मैं अपने भाई को भी ले गया। तो जब मैं उसके पास गया, तो मालूम है उसने क्या बोला? पास्टर मैं स्टडी नहीं करूँगा। मैंने बोला क्यों, क्या बात होगी, क्यों नहीं आप स्टडी करेंगे? कहता जी मैं पास्टर बन गया हूं। मैं डर गया। मैं कहा आप पास्टर बन गए, आपको तो बाइबल नहीं पढ़नी आती, प्रार्थना करनी नहीं आती। कहते नहीं जी, कोई लोग आए थे संस्था वाले, उन्होंने हाथ रख के बोला अपने घर में ही चाचा लगा ले और तू आज के पास्टर है। अब आप मुझे बताइए कितनों का बेड़ा गर्क करेगा वो, बोलो। ऐसे ही हजारों पास्टर घूम रहे हैं आज इंडिया में और पूरे संसार में, पता नहीं कितने घूम रहे होंगे, जो सिर्फ अपनी दाल रोटी के लिए काम करते हैं। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत सारे सेवक से मिलता हूँ, बहुत सारे। एक बार मैं किसी सेवक को अपने साथ में ले गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। तो जब हम बैठे थे वहाँ पे, तो मेरा कुछ प्रोग्राम था, तो हम थोड़ा लेट हो गए वहाँ पे। तो पास्टर ने मुझे पता क्या बोला, पास्टर जी तुझसे मेरी सारी दाढ़ी खराब करती। मैं कोई बात नहीं सर, कभी कभी खुदा के लिए आप करते हैं काम, जब करना पड़ेगा आए यहाँ पर टीच करने के लिए यहाँ पे। कहता नहीं नहीं पास्टर जी, कहता मैं घर होंदा ना 5-6 एकड़ विजिट कर लेता, 500 दिहाड़ी तो पा ही लेंदा मैं। 500 की दिहाड़ी के लिए आप खुदा के लिए काम करते हो यार, ये हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। हटाइए पैसे से दिमाग, जिस पैसे तुम ढूंढ रहे हो ना, और जिस पैसे पीछे तुम्हें जिंदगी खराब कर दी है, अपनी आत्मीयता खराब कर ली है, वो पैसा तुम्हें नरक में लेके जाएगा। छोड़ दो इस चीज को, खुदा तुम्हें वैसी दे देगा। और हम कौन सा मर रहे हैं यार। मैंने लाइफ में स्टडी किया, कभी परमेश्वर ने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, और मेरा विश्वास है कभी आपको भी शर्मिंदा नहीं होने दिया होगा परमेश्वर ने। कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दिया खुदा ने, तो फिर खुदा के ऊपर निर्भर हो जाओ यार। क्यों गुनाहगार बनने की जरूरत है? ये व्यक्ति है मेरे भाई होने के नाते सलाह आपसे, आप मेरे भाई हो, पास्टर हो। ये नहीं है मैं कोई भाषण झाड़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा कुछ अभिषेक खोलता है, कुछ अनॉइंटिंग खोलता है, कुछ प्रभु अथॉरिटी भी देता है कि हम एक भाई को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। खुदा ने कुछ दिया हमको, हम उनसे शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई दुनिया में दास है, कोई किसी को बोल नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब शाऊल ने गलती किया, तो सैमुअल उसको बोलने के लिए चला गया। खुदा ने सैमुअल को भी तैयार किया और शाऊल को भी तैयार किया। आज भी दुनिया में है ये सिस्टम। लेकिन जब हमारे पास्टर लोग, हमारे छोटे भाई जब सही अच्छा मैसेज देते, या कुछ लोग हमारी इंसल्ट कर देते हैं, तो फिर फील होता है कि यार क्या हो रहा सभी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, वचन ज़्यादा स्टडी करें आप। हमारे पास 2 महीने का बाइबल स्कूल है, कोई पास्टर अगर चाहे सेवा करना वो कर सकता है ट्रेनिंग में। गारंटी से एक बात बोलता हूँ आपको, आप इतना 10 साल में सीखेंगे जो हम आपको 2 महीने में सिखाएंगे रात दिन करके। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम चाहते हैं अच्छा लीडर खड़ा हो। और मैं सबको सिखाता हूँ, स्पोर्ट की तरफ नहीं जाना, यीशु आपकी स्पोर्ट है। कोई आपको देता है ठीक है ओके, स्पोर्ट लेना बुरी बात नहीं है, आप लीजिए। हालेलुया। तो प्लीज ध्यान दें, मेरी बात का फील ना करें। मैं आपका भाई हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मसीह के नाम की निंदा की जाए, और मसीह के नाम को हम ही ऊंचा कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु फिर से मिलने का फजल दे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में फिर आपसे मिल सकें। और मेरा विश्वास है कि आपको ये मैसेज अच्छा लगेगा और आप खुश होंगे। और आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, परमेश्वर मुझे लंबी उम्र दे, और मैं और भी अच्छे अच्छे मैसेज, आत्मा की अगुवाई के मैसेज, आत्मा से बात कर सकूँ आपसे। और मेरे भाइयों को मैं ऊंचा देखना चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है कि हर एक सेवक ऐसा मैसेज दे कि लोग कहें क्या बात है यार। आज एक चीज मैं लास्ट बोल के खत्म करना चाहता हूँ। आज लोग बोलते हैं, हम पूछते हैं सामर्थी पास्टर कौन है,
हम कहते हैं जिसके द्वारा बहुत लोग गिर रहे हैं, जिसके द्वारा मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, व्हील चेयर ये वो, लेकिन मैं सामर्थी पास्टर उसको मानता हूं जो प्रचार करे और प्रचार में जीवन चेंज हो जाए, मेरे लिए वो सामर्थी पास्टर है। हमें मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार में, आपकी मिनिस्ट्री में, हर क्षेत्र में प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया।